क्या शुभमन गिल चौथे दिन में नॉट आउट थे? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम और अंपायर ने मिलकर कोई बेईमानी कर दी है और शुभमन गिल को आउट ही करा दिया? ये पूरा मैटर क्या था जिसके चलते मैच को इतनी देर रोकना पड़ गया कि ओवर डालना तो भूल ही गए गेंदबाज, पूरा सेशन ओवर हो चुका था। देखिए, अब भारतीय क्रिकेट टीम को 444 का टारगेट मिल चुका है और इस बार बल्लेबाजी में हमारी शुरुआत मजबूत थी। हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम चेज करते वक्त इसे टेस्ट से वनडे और वनडे से T20 बना सकती है, जो कि हो भी रहा था। इंडियन टीम ने सेकंड इनिंग्स के अभी 8 ओवर खेले थे जिसमें रोहित शर्मा 22 रन पर और गिल साहब भी 18 रन पर पहुंच चुके थे। एक अच्छा खासा सेशन ओवर हो रहा था, लेकिन 8th ओवर में स्कॉट बोलैंड एक गेंद डालते हैं जिस पर शुभमन गिल ज्यादा अच्छे से शॉट नहीं खेल पाते, बीट हो जाते हैं। बेसिकली डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर गली में खड़े खिलाड़ी कैमरून ग्रीन की तरफ जाती है। अब गेंद ज्यादा दूरी पर थी, कैमरून ग्रीन ने भी एक डाइव लगाया और डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ लिया, लेकिन यह बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इतना ज्यादा क्लोज कॉल जब भी होता है तो मैदानी अंपायर अमूमन तौर पर थर्ड अंपायर के पास चले जाते हैं। शुभमन गिल भी कहीं ना कहीं श्योर नजर आ रहे थे कि शायद गेंद जमीन पर लगी है या उसका कुछ हिस्सा या हाथ का हिस्सा इस तरीके से जमीन पर टच हुआ है कि वो नॉट आउट दिए जाएंगे। और थर्ड अंपायर भी ऑलमोस्ट 5 से 10 बार इस पूरे मैटर को रिवाइंड करके देख चुके थे, जिसमें 90% ऑफ द केस में यही लग रहा था कि भाई जब गेंद को पकड़ा गया है तो हाथ का कुछ हिस्सा ना जमीन पर टच हो चुका है, और सबको लग रहा था कि जो फैसला होगा वो हमारे फेवर में आएगा, गिल के फेवर में आएगा, क्योंकि हाथ वाकई में जमीन का सहारा तो ले रहा था। और WTC का फाइनल है, ICC का टूर्नामेंट है, ऐसे वक्त पर तो बैट्समैन को थोड़ा बहुत फेवर करना भी चाहिए। लेकिन नतीजा क्या आया, गिल के अगेंस्ट में थर्ड अंपायर अड़े रहे और गिल को आउट दे दिया गया। इसके बाद पूरे मैदान में जो भारतीय समर्थक थे वो चीटिंग के नारे लगाने लगे, क्योंकि आपको एक किस्सा याद दिलाते हैं, 2011 की बात है, इसी नॉटिंगम के मैदान में आसपास में होगा, जहां पर MS धोनी ने इयान बेल को वापस बुला लिया था जब उन्हें लगा कि गलत फैसला हो गया है। और एक तरफ WTC का फाइनल चल रहा है जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल भी स्पिरिट नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसे मौकों पर खिलाड़ी अपने आप को आउट तो नहीं कह सकता, लेकिन विरोधी टीम अगर एक रिक्वेस्ट करे तो शायद कुछ हो सकता है। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने वो तो नहीं किया और वो करते भी नहीं, लेकिन अंपायर की इसमें क्या भूल चूक थी? क्या वाकई में शुभमन गिल आउट थे? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, शुभमन गिल आउट थे या नहीं, या फिर ये गलती की वजह से WTC हमें हारना पड़ सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर, फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।